अज़बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एसएसटी का बुक वर्क करना है हमने आज, चैप्टर नंबर 3 का और पेज नंबर 21। ओके, पेज नंबर 21। आज हम क्या करेंगे, मैच द कॉलम्स। पहला क्या है, हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान कौन सी है? द के टू। हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान कौन सी है? द के टू। आ प्लेट्यो, प्लेट्यो का क्या होगा? पोठुहार। प्लेट्यो का क्या है? पोठुहार। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? इंडस रावी रिवर। ठीक है, कौन सा दरिया है? इंडस रिवर, दरियाए सिंध। आ डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का रेगिस्तान, ठीक है, वो आपने क्या बताना है? चोलिस्तान। पाकिस्तान का रेगिस्तान यानी डेजर्ट क्या है? चोलिस्तान। कैक्टस, कैक्टस जो कांटों वाला पौधा होता है वो कहाँ पर होता है? प्लांट ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का पौधा, प्लांट ऑफ डेजर्ट। टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर वन, अपेरेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंडफॉर्म, जो ज़मीन की जाहिरी सूरत है वो क्या कहलाती है? लैंडफॉर्म। सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी इनमें से कौन सा फसलों के लिए जगह बेहतर है, कौन सी जगह बेहतर है? इसका है बी, प्लेन। थर्ड, यूजली स्नो फॉल ऑन, यानी बर्फ कहाँ पर पड़ती है, आमतौर पर बर्फ कहाँ पड़ती है? ए माउंटेन्स पर, कहाँ पर? पहाड़ों पर। नंबर फोर, देयर सीम लेस रेनफॉल, जहाँ पर कम बारिश होती है वो कौन सी जगह है इनमें से, चारों में से? डेजर्ट्स, रेगिस्तान, रेगिस्तानों में बारिश कम होती है। आगे आपने आना है पेज नंबर 22 पर, ठीक है, पेज नंबर 22, नंबर 5 वाला, विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, के कौन सा जो एनिमल है, जानवर है, वो क्या कहलाता है? शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज, कैमल, ऊंट। ठीक है, सिक्स, इट इज लो हाई हिली एरिया, यहाँ पर छोटी छोटी मिट्टी की पहाड़ियाँ हो वो क्या कहलाते हैं? प्लेट्यो, क्या कहलाते हैं? प्लेट्यो, सतह मुर्तफा। नंबर सिक्स, राइट द नेम ऑफ द प्लांट इन विच लैंड फॉर्म इज इट फाउंड, आपने इस प्लांट को देखना है और इसका नेम बताना है, इसको फिर ड्रॉ भी करना है, जो इसके ऊपर लाइन किस पेंसिल से इसको ड्रॉ भी करना है, और फिर इसके बाद इसका नेम बताना है। प्लांट का नेम क्या है? कैक्टस, CACTUS, कैक्टस। और लैंड फॉर्म इसकी कौन सी है? डेजर्ट। कहाँ पर होता है ये? रेगिस्तान। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया। कल से आपकी एसएसटी की चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन होगी, आपने आप इसको सॉल्व भी करना है और इसे लर्न भी करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।